1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। बावजूद इसके बड़ी संख्या में अभी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इस कड़ी में पॉलिथीन हटाओ अभियान की रेवाड़ी जिले की ब्रांड एम्बेसडर नंदिनी ने गांव बूढ़पुर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूक किया और शपथ दिलाई। बालियर खुर्द में चल रहे योग शिविर का हुआ समापन। गांव बालियर खुर्द जिला रेवाड़ी में पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट, पतंजलि महिला योग समिति एवं युवा भारत के सहयोग से चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का आज योग व यज्ञ के साथ समापन किया गया। आज के योग सत्र में हरियाणा राज्य महिला कार्यकारिणी सदस्य कांता यादव व महिला पतंजलि योग समिति रेवाड़ी की जिला प्रभारी सरोज आर्या ने संयुक्त रूप से प्राणायाम व सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया। 1 से 7 अगस्त तक जिला में मनाया जाएगा हर घर जल उत्सव। आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रदेश में आगामी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक हर घर जल उत्सव मनाया जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन कराया जाएगा और ग्रामीणों को जल संरक्षण के बारे में जागरूक भी किया जाएगा। डीसी अशोक कुमार गर्ग जिला सचिवालय सभागार में जल शक्ति अभियान के तहत संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने अभियान के जिला नोडल अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आमजन को भी बरसाती पानी सहेजने के लिए जागरूक किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए जल का संचयन हो सके। रेवाड़ी विधायक ने कहा, पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के साथ जातिगत जनगणना भी जरूरी। रेवाड़ी के विधायक चिरंजीव राव प्रदेश में बने पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से सोमवार को मुलाकात कर पत्र सौंपेंगे, जिसमें ओबीसी वर्ग की विभिन्न मांगों को विधायक पैरवी करेंगे। विधायक ने कहा कि पिछड़ा वर्ग आयोग की काफी समय से मांग की जा रही थी, लेकिन देर से ही सही। हमें खुशी है कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग बना है और आशा करते हैं कि आयोग अब पिछड़ों के हक की आवाज को मजबूती से उठाएगा और पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान व विकास कार्यों के लिए कार्य करेगा। उन्होंने कहा, पिछड़ा वर्ग को उनका हक व आरक्षण मिलने में सबसे बड़ी बाधा जातिगत जनगणना का न होना है। जातिगत जनगणना होना जरूरी है ताकि पता चल सके कि किस जाति की कितनी आबादी है, ताकि प्रत्येक जाति को उसका हक मिल सके। जब तक ये पता नहीं चलेगा कि ओबीसी की कितनी और जाति के हिसाब से किसकी कितनी जनसंख्या है, तो फिर पिछड़ा वर्ग आयोग बनने का क्या फायदा। बाल गृह से दीवार कूद कर भागे 2 बच्चे, पुलिस कर रही तलाश। रेवाड़ी के बाल देखरेख संस्थान से 2 बच्चे बीती रात दीवार कूद कर भाग गए। भागने वाले बच्चों में झज्जर जिले का रहने वाला 15 वर्षीय मंजीत और पश्चिम बंगाल का 10 वर्षीय सोहिल है। बाल गृह की इंचार्ज ने बताया कि मंजीत सिंगर बनने की चाहत लेकर कई बार भाग चुका है और वो उनके पास 4 दिन पहले ही आया था। वहीं पुलिस बच्चों की तलाश कर रही है।